आप जो स्क्रीन देख रहे हैं इसमें कॉफ आईसी का एरर है। कॉफ आईसी मतलब कि जो बीच में लाइनिंग आ रही है धागे जैसी, ये कॉफ की वजह से आ रही है। इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि रिजॉल्व होती है कि नहीं। मेनली इसको रिजॉल्व करने के प्रोफेशनली तरीका जो है उस तरीके में हम जो कॉफ आईसी होती है या जो कॉफ का पत्ता होता है उसे चेंज करते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है नहीं। सेकेंड चीज़ होता है कि हम कंपोनेंट्स वगैरह को चेक करते हैं, कई बार उससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन हम कंपोनेंट भी चेक करेंगे और उसमें मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, तो चेक करते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं इस कॉफ आईसी के पैनल को बैक साइड से दिखाऊंगा आपको, अगर इसको हम हल्का सा प्रेस करते हैं तो ये लाइनिंग गायब हो जाती है, और जैसे हम इसको फिर से छोड़ेंगे ये लाइनिंग वापस आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ आपके कॉफ पैथ तक ही दिक्कत है। सो चलो देखते हैं। तो आपके इसमें तीन कॉफ आईसी के पत्ते लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। दो पत्ते प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जो मिडिल सेक्शन का पत्ता है ये आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट हो रही है। पहले हम इसको हीट करेंगे हल्का सा, उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है कि नहीं। उसके लिए हम करेंगे इसको शट डाउन। और इसको पैनल को करेंगे अलग। पैनल हो गया हमारा अलग। चले एसएमडी के पास, टेम्परेचर पे हीटअप वगैरह करके देखते हैं कॉफ आईसी को, इससे कुछ रिस्पॉन्स होता है कि नहीं होता। इससे ज़्यादा हीट नहीं करनी है क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक पे मेल्ट है, ज़्यादा हीट करेंगे हो सकता है कि कॉफ आईसी का जो पत्ता है वो बर्न हो जाए और आपकी पूरी स्क्रीन बंद हो जाए। सिर्फ नॉर्मल हीटअप कीजिए। ठीक है, और इसको थोड़ी देर के ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद फिर कनेक्ट करके देखते हैं कि धूप। हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा भी कर लिया, हम इसको देखते हैं लगा के ये क्या होता है, या तो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो फाइनली हमें इसे चेंज करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं पहले। ठीक है, कनेक्टर हमने कनेक्ट कर दिया और बैटरी अब लगाएंगे। बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, हम सिस्टम को करेंगे ऑन और देखते हैं कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। सिस्टम हो गया ऑन और ये प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो चुकी है। प्रॉपर विंडो रन भी कर रहा है और कॉफ आईसी से जो लाइनिंग आ रही है वो प्रॉपर जा चुकी है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ कॉफ आईसी की थी, इसका रिजॉल्वेशन हमने दिखाया है। ठीक है।